दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं इस पिक्चर से करना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ माचिस की तिली हैं, जिनमें कुछ में आग लगी हुई है और कुछ में नहीं लगी है। एक बार के लिए आप मान लो कि ये माचिस की तिली नहीं है, ये इंसान है। जो तिलियां जल चुकी हैं वो सभी वो लोग हैं जिनको वायरस हो चुका है, और जो नहीं जली है ये वो सभी लोग हैं जिनको वायरस अभी तक नहीं हुआ है। और ये जो तिली जो नीचे की तरफ है ये वो इंसान है जिसको वायरस के लक्षण हैं, कोरोना वायरस के लक्षण हैं। दोस्तों इस इंसान का जो डिसीजन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस इंसान के पीछे हट जाने से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। इन सभी लोगों को वो कोरोना वायरस नहीं हुआ। दोस्तों इस भले इंसान के फैसले की वजह से इन सभी लोगों की जान बच गई, या मैं कह सकता हूँ कि इन सभी लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्ट नहीं किया। दोस्तों कभी कभी इंसान को कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं जिससे कि लोगों का भला हो सके। इस इंसान ने अपने आप को आइसोलेट किया और क्वारंटाइन में रखा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक एडवाइजरी जारी की है। दोस्तों हमारी सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, अगर किसी को सिम्टम्स है या फिर किसी को जानकारी चाहिए इस वायरस के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। टोल फ्री नंबर है 1075, या फिर आप इस ईमेल आईडी पर मेल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इस एडवाइजरी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेजर पर ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि ये बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन गाइडलाइंस को ध्यान से सुने। इन सभी पॉइंट्स को 31 मार्च 2020 तक लागू किया गया है। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट कहता है कि जितने भी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जिम्स हैं, म्यूजियम्स हैं, कल्चरल एंड सोशल सेंटर्स हैं, स्विमिंग पूल्स, थिएटर्स, इन सभी को बंद किया गया है 31 मार्च तक। स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया है कि वो घर पर ही रहें और ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। दूसरा पॉइंट कहता है कि आप अपने हाथों को धोते रहें, हैंड वॉश करते रहें, एटलीस्ट 20 सेकंड्स तक आप अपना हाथ जरूर धोएं। दोस्तों तीसरा पॉइंट कहता है कि आप किसी से हाथ ना मिलाएं और गले ना मिलें। तो फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड गैदरिंग। इसका मतलब है कि चाहे शादी हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे कोई पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, वहां पे कम से कम लोगों को इनवाइट करें, सो दैट कि इसके फैलने के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट कहता है कि वर्क फ्रॉम होम, यानी घर पर रहकर ही आप काम करें। फॉर एग्जाम्पल जो लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि आप घर बैठकर ही काम करें। सिक्स पॉइंट कहता है कि कीप अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वाइल डूइंग वर्बल कम्युनिकेशन। इसका मतलब है जब आप किसी से बात कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें। सेवन पॉइंट कहता है कि नॉन असेंशियल ट्रेवल शुड बी अवॉइडेड। इसका मतलब है कि जब आपको जरूरत नहीं है तो आप ट्रेवल ना करें, क्योंकि जब आप ट्रेवल करते हैं चाहे वो बस से हो चाहे ट्रेन से हो, तो आप जाने अनजाने में बहुत सारी जगह टच करते हो और इस केस में आपके इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि प्रॉपर हाइजीन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग हैज टू बी मेंटेन्ड। आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। कोविड 19 का इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज के लिए होता है। इसका मतलब है कि लक्षण दिखने में 14 दिन का समय लग सकता है, तो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। इंडिया में अभी तक 138 लोग इससे अफेक्टेड हो चुके हैं। इन लोगों को ये वायरस अफेक्ट कर चुका है और पूरे विश्व भर में ये 163 कंट्रीज को अफेक्ट कर चुका है अभी तक। दोस्तों ये जो मैंने डेटा लिया है वो अप टू 17 मार्च तक का है, शाम को 5 बजे तक का। इंडिया में इस वायरस की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है। एक डेथ हुई है दिल्ली में, दूसरी हुई है कर्नाटका में और तीसरी हुई है महाराष्ट्र में। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाएगी लिस्ट ऑफ कोविड 19 टेस्टिंग लैबोरेटरीज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, एक पीडीएफ आ जाएगी। इस लिस्ट में बेसिकली टेस्टिंग साइट्स गिवन है, ये 63 हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि हर स्टेट के अंदर कुछ हॉस्पिटल्स को टेस्टिंग साइट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां पर आप कोविड 19 वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं। लेट्स से कि आपका अगर होम टाउन आंध्र प्रदेश है तो इन चारों में से आप कहीं भी जाकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पीडीएफ को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर स्टेट को कुछ टेस्टिंग साइट्स में कन्वर्ट किया गया है, कुछ हॉस्पिटल्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे पंजाब के अंदर ये जो टेस्टिंग साइट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, तो पटियाला के अंदर बेसिकली ये टेस्टिंग साइट्स को लोकेट किया गया है। अगर आप पंजाब से हैं तो यहाँ से आप अपना मेडिकल चेकअप करा सकते हैं कोविड 19 के रिगार्डिंग। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में वो सिम्टम्स हैं, वो लक्षण दिख रहे हैं जो कोविड 19 में होते हैं,
तो आप इनमें से किसी भी टेस्टिंग साइट पे जा सकते हैं जो आपके स्टेट में अवेलेबल है। 63, पहले 62 थे, अब 63 हो चुके हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं ये वो 9 लैब्स हैं जो बेसिकली आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में फंक्शनल हो जाएंगी। अभी ये फंक्शनल नहीं हुई है। दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पेज पर बेसिकली WHO ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। जैसे आप लोगों को पता ही है कि ये जो वायरस है ये क्या होता है, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सम वन इन्फेक्टेड विद अ कोविड-19। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है इट डिपेंड्स ऑन द वायरस बट कॉमन साइंस इंक्लूड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। इन मोर सीवियर केसेस इन्फेक्शन कैन कॉज निमोनिया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर एंड इवन डेथ। तो बेसिकली आपको जो दिक्कत होगी इस वायरस की वजह से, सांस लेने में तकलीफ होगी, फीवर होगा, हाई फीवर होगा, कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, बेसिकली यहाँ पर ड्राई कफ होगा एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होंगी। और अगर कंडीशन थोड़ी सीवियर होती है तो उस केस में आपको निमोनिया हो सकता है और सार्स हो सकता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड इवन इट कैन लीड योर बॉडी टू किडनी फेलियर एंड इवन डेथ। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत सावधान रहना है क्योंकि सावधानी के साथ साथ सही जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ जानकारी दी हुई है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ें। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको ओपन करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज देयर अ वैक्सीन फॉर अ नोवल कोरोना वायरस। क्या इसकी कोई वैक्सीन अभी तक बन चुकी है या फिर नहीं बनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि व्हेन अ डिजीज इज न्यू देयर इज नो वैक्सीन अंटिल वन इज डेवलप्ड। इट कैन टेक अ नंबर ऑफ इयर्स फॉर अ न्यू वैक्सीन टू बी डेवलप्ड। इसका मतलब है दोस्तों कि जब कोई नई बीमारी आती है, ये बीमारी नहीं बेसिकली अब तो महामारी बन चुकी है, WHO ने इसको घोषित कर दिया है पेंडेमिक। तो आप देख सकते हैं कि देर इज नो वैक्सीन अंटिल वन इज डेवलप्ड। जब तक कि वो आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगी तो उसको हम नहीं कह सकते कि वो वैक्सीन बन चुकी है। अगर मान लो किसी देश में बन भी चुकी है लेकिन वो अभी तक आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट कैन टेक अ नंबर ऑफ इयर्स फॉर अ न्यू वैक्सीन टू बी डेवलप्ड। अगर किसी कंट्री ने वो वैक्सीन बना भी ली है तो उसको आम पब्लिक के लिए उपलब्ध कराने में बहुत समय लग जाता है दोस्तों। हो सकता है कि 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका राज छुपा है अगले वाले क्वेश्चन में। आप पढ़ सकते हैं कि इज देयर अ ट्रीटमेंट फॉर अ नोवल कोरोना वायरस। क्या उसका कोई ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ रीजन है। आप देख सकते हैं कि देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डिजीज कॉज बाय अ नोवल कोरोना वायरस। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि कोई वैक्सीनेशन अभी तक नहीं है प्रॉपर जिसकी वजह से ये ठीक हो सके, लेकिन ठीक किस वजह से होगा। आप देख सकते हैं कि सपोर्टिव केयर फॉर इन्फेक्टेड पर्सन कैन बी हाईली इफेक्टिव। सपोर्टिव केयर का मतलब है कि अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, मजबूत है, तो वो रिकवर कर सकता है। हाउएवर मेनी ऑफ द सिम्टम्स कैन बी ट्रीटेड एंड देयरफॉर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द पेशेंट्स क्लिनिकल कंडीशन। इसका मतलब है कि उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो कैसी है काफी हद तक उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा एज है, लाइक 60+ है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो भी रिकवर कर सकता है। दोस्तों कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि आप सिर्फ घर का खाना खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरी बात कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, और योगा के अंदर बेसिकली आप करें प्राणायाम, और विटामिन सी फ्रूट्स आप लेते रहें जैसे कि ऑरेंज, संतरा, लेमन एंड ग्रेप फ्रूट्स। और दोस्तों दिन में थोड़ा सा समय निकाल के धूप जरूर लें। दोस्तों इसके बाद आंवला, हल्दी, गिलोय जूस, गार्लिक एंड जिंजर। दोस्तों इनमें से ज्यादातर वो सारी चीजें हैं जो आपके घर के किचन में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों मैं लेता हूं अब अलविदा।
आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि इस कोविड-19 वायरस को हराने के लिए किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर इंसान की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो वायरस है पूरे देश भर में फैल चुका है। तो हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को आइसोलेट रखे, खुद सेफ रहे और दूसरों को भी सेफ रखे, जिससे ये बीमारी ना फैले। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।